हेलो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक जॉइनिंग लेटर आया है। साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीज़न का है ये, और जो कि ट्रैक मेंटेनर पोस्ट पर है। तो आइए हम इस जॉइनिंग लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं, और इसी के आधार पर आपको आपके डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है ताकि आप उसमें कोई गलती ना करें। तो इस जॉइनिंग लेटर के बारे में, इस जॉइनिंग लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब आपकी पोस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। ये कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह लिखा हुआ होगा, पूरा आपका पे लेवल वगैरह लिखा हुआ रहेगा इसमें आपके जॉइनिंग लेटर में। उसके बाद यहाँ पर मैंडेटरी फॉर प्रोसीजर प्रोविजंस, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। आपको ये जॉइनिंग लेटर आएगा, पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इसको समझना है, इसमें क्या लिखा है उसी के आधार पर आपको अपने डॉक्यूमेंट बनवाना है ताकि आप कोई गलती ना करें। यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन आपके जॉइनिंग लेटर में ही आएंगे। तो पहले पॉइंट में दिया गया है कि आपका ये 24 मंथ का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि नियुक्ति के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो आपको 7 साल के लिए रेलवे प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियरिंग इकाइयों में भी आपको भेजा जा सकता है ना, उसके लिए भी आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि आपको 13 जून 2023 से 28 जून 2023 के बीच में वहाँ पर आपको 10 बजे ऑफिस में पहुँचना होगा, ठीक है, शनिवार और रविवार की छुट्टी को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट पर नहीं बुलाया गया है, इस डेट के बीच में बुलाया गया, आप कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। साथ में जो फॉर्मेट दिए गए हैं वो फॉर्मेट पर आपके डॉक्यूमेंट बनवा कर जाना है, ठीक है, और वहाँ पर आपको अपनी कोस्ट पर ही जाना है। चौथे पॉइंट में ये दिया गया है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको रिलीज ऑर्डर लेकर जाना है, ठीक है। पाँचवें पॉइंट में ये दिया गया है कि आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। छठवें पॉइंट में ये दिया गया है कि न्यू पेंशन सिस्टम रूल के तहत ही आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% आपको जमा करना होगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये वेबसाइट पर जाकर फुल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। सातवें पॉइंट पर यहाँ पर मेन बात यहाँ पर लीव के बारे में बताई गई है कि आपको किस प्रकार से कितनी छुट्टियाँ दी जाएंगी, ठीक है। आठवें पॉइंट में यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट अभी प्रोविजनल है, कुछ भी गलत पाए जाने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये 8वें पॉइंट में लिखा गया है। मतलब आप किसी भी भुगतान के हकदार नहीं होंगे, भले ही आप सेवानिवृत्ति हों या शारीरिक या स्थायी अक्षमता के कारण हो, ठीक है, आप उस पर दावा नहीं कर सकते। 9वें पॉइंट में आपको शपथ लेना है, ठीक है, आप नाम लिखते हैं, नाम लिखकर यहाँ पर, ठीक है। और सी पॉइंट में यहाँ पर सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे कैसे तैयार करवाना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अब जब अपने डॉक्यूमेंट बनवाने जाएंगे तो आपको कोई परेशानी ना हो। मेन मेन पॉइंट जॉइनिंग लेटर में क्या दिए गए हैं उसी के आधार पर को बनवाना है, और एक बार आप इसको ईजिली लाइन बाय लाइन पढ़ लेना ताकि आपको बनवाने में डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई दिक्कत ना जाए। ये फॉर्मेट है, डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है, मैसूर डिवीज़न का है, ये पूरे फॉर्मेट आए हैं। यहाँ पर आगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर दिया गया है, ठीक है, 2 गैजेट, उसमें कुछ सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, वो आपको मैं पढ़ पढ़ के बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या बनाना है, ठीक है। इंक्वायरी फॉर्म है यहाँ पर, ये अटेस्टेशन फॉर्म भी आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी है, इंटीग्रेटिव फॉर्म भी है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, NPS का फॉर्म भी दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जॉइनिंग लेटर भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको ले जाना है और साथ में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ यहाँ पर जॉइनिंग लेटर में दी गई है। ये देखिए, पहले पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 10th पास सर्टिफिकेट ले जाना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ठीक है। पास सर्टिफिकेट साथ आपको मार्कशीट भी ले जाना है, ठीक है। बी पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है इफ़ अवेलेबल, अगर आपके पास है तो ले जाइए, अगर नहीं है तो मत ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी पॉइंट में यहाँ पर कॉलेज डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास, डिग्री प्लस मार्कशीट के साथ आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। डी पॉइंट में यहाँ पर ही लिखा है कि आपने कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर की है तो उसके साथ सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट के साथ आपको वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। ई पॉइंट में यहाँ पर मतलब आपने जो डीबी के समय जो डॉक्यूमेंट दिए हैं और साथ में जो डॉक्यूमेंट अभी उन्होंने प्रोफार्मा दिए हैं वो बनवा के आपको वहाँ पर साथ में ले जाना है, ठीक है। ई पॉइंट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC प्रोफार्मा के साथ वहाँ पर पहुँचना है, उस पर DM AM कलेक्टर SDM वगैरह सबके साइन, किसी एक के साइन करवा के वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से बना है तो वो ही लेके जाइए, अगर नहीं बना है तो नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन OBC वालों के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया, इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड लेटेस्ट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, ठीक है, विद क्रीमी लेयर स्टेटस। अगर OBC कैंडिडेट के पास 6 महीने से अगर ज़्यादा हो गया है बने हुए तो आप नया बनवा लीजिएगा, यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं मांगा है, ठीक है। यहाँ पर F पॉइंट में दिया गया है कि आपको 8 फोटो के साथ जाना है, ठीक है। G पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि दो सेट बना के आपको अटेस्टेड करना है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गजेटेड ऑफिसर हो, ठीक है।
एच पॉइंट में यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सुनिए। पहले पॉइंट में इन्होंने दिया है, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म एनेक्सर ए में है, 7 पेजेस का है, ठीक है। उन 7 पेजेस में इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी है। ए पॉइंट में यहाँ पर दिया है कि जो सुइटेबल है वो कॉलम्स आपको आपको भरना है, ठीक है। बी पॉइंट में यहाँ पर बी पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज पर अनेक्सर 2nd 7 में ये लिखा है, 7 पेजेस हैं, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म साइन बाय हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड ड्यूली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन करा है वहाँ से आपको साइन कराना है, साथ में अटेस्टेड करवाना है फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिविजनल SDM से, ठीक है। साथ में अगर राउंड वाली सील रहती है तो राउंड वाली सील लगवाना है, या फिर उनके ऑफिस की जो भी सील है वो सील आपको लगवाना है, राउंड भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान जरूर देना, ठीक है। तो सी पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड द डेजिग्नेटेड ऑफिसर मेंशन इन 6 पेजेस, ठीक है, 6वें पेज में जो दिया गया है, ठीक है। अदर देन द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव लास्ट स्टडीड, जहाँ आपने आखिरी समय में पढ़ाई करी है वहाँ के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को छोड़कर किसी और दूसरे से आपको वहाँ पर साइन करवाना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, मतलब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आपने मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ आपने जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपने लास्ट एजुकेशन वाले साइन करवाया है तो वहाँ से आपको साइन नहीं करवाना है, बहुत चीज़ यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, नहीं तो आप दोनों सेम करवा लेंगे तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। और सील राउंड होना कंपलसरी नहीं है, अगर राउंड है तो वेस्ट है, और नहीं तो उनकी ऑफिस की सील होना कंपलसरी है, ठीक है, वह चोकर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर के ही साइन होना है, सेम नहीं करवा सकते आप, ठीक है। जे पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि अपॉइंटमेंट लेटर के 2 सेट बनवाना है आपको, उसमें से एक आपको वापस रिटर्न लेना है, ठीक है, क्योंकि सिग्निफाई करके वो आपको देगा, वो आपको प्रूफ होगा कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, वो आपके पास रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली नोट यहाँ पर दिया गया है कि द गजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेशन शुड नॉट बी रिपीटेड इन द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब कोई भी गजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेशन जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए इन द, ठीक है, किसमें, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एनेक्सर 2, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेशन फ्रॉम बोथ डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर एंड फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट असिस्टेशन फॉर्म में अगर आप वहाँ पर साइन करवाएंगे तो ये सब चीज़ें रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप। यहाँ पे कुछ जनरल गाइडलाइंस भी दी गई हैं, ठीक है, वो भी आपको समझना दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि ये एक ऑफर लेटर है, ठीक है, ना कि ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कि ये प्रोविजनल है, अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जब तक DB कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपको अपनी व्यवस्था से जाना है और अपने खर्चे पर रहना है। हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेते मतलब डॉक्यूमेंट में लेते मतलब ज्वाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है आपको 2 हफ्तों से ज़्यादा भी लग सकता है, इसलिए आप अपने व्यवस्था से जाइए, ठीक है। चौथे पॉइंट में ये कहा गया है कि आपको सौंपने वाली जो भी सरकारी संपत्ति होगी उस पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। 5वें पॉइंट में ये कहा गया है कि सरकार के नियम एवं रेलवे के नियम ही आखिरी में मान्य होंगे, आप उस पर अपने नियम नहीं लागू कर सकते। 6वें पॉइंट में ये कहा गया है कि आपको पैन कार्ड और पासबुक लाना है, ठीक है, पासबुक का फ्रंट पेज लगेगा, ठीक है। 7वें पॉइंट में ये कहा गया है कि अपॉइंटमेंट की कॉपी आपको सिग्निफाई करके आपको रिटर्न लेना है, ठीक है, एक आपके प्रूफ के लिए। ऑफिस पर कॉन्टेक्ट करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आपका ये अपॉइंटमेंट ऑफर है वो कैंसिल कर माना जाएगा, ठीक है, आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो। 8वें पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर आपकी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर फादर या मदर का नाम नहीं है तो आपको साथ में अदर डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें आपके माता पिता का नाम है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी अदर चीज़ हो सकती है। अगर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर आपके माता पिता का नाम नहीं है तो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 9वें पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है क्लियरली कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लेने वाले, मतलब जो 13 डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ पर दिए हैं, 10th मेट्रिकुलेशन, 12th, ठीक है, ग्रेजुएशन, पैन कार्ड, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो लिखी हुई हैं, ठीक है, इन सब को एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक एक डॉक्यूमेंट आप 2 MB से कम उसमें आपको एक एक डॉक्यूमेंट PDF बना के रखना है, जब आपकी HRMS ID बनाई जाएगी तो उसमें अपलोड करना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये बात, ये चीज़ें आप पहले ही करके रख लें, ये पूरे 13 डॉक्यूमेंट जो आप लेके जाने वाले हैं इन सबको, एक HRMS ID के लिए आपको 2 MB, जिसका साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग उसके अपने उसमें बना के रख लीजिएगा, ताकि आपको अपलोड करने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मैंने आपको फॉर्मेट बताए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं उनको डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म कैसे क्या भरना है, कौन कौन सी डिटेल डालनी है और कहाँ पर साइन करवाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। और जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।